हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज, अगर आपके बाल भी बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो रहे हैं तो एक बहुत बड़ी समस्या है, और सफ़ेद बाल होना आजकल एक आम समस्या बन गई है, क्योंकि हम धूल पोल्यूशन वाले माहौल में रहते हैं या फिर हम अपने बालों की केयर नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारे बाल कम एज के अंदर ही सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए ऐसी रेमेडी बनाऊंगा जिसके इस्तेमाल से आप 100% अपने सफ़ेद बालों को जड़ से काला कर सकते हैं। आपके सफ़ेद बाल कुछ इस तरीके से काले होंगे कि वो जब नेक्स्ट टाइम उगेंगे तो वो काले होकर ही उगेंगे। सफ़ेद होकर आपके बालों के उगने की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बस इसके लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा ताकि आपको रेमेडी अच्छे तरीके से समझ आए और आप इसके सही इस्तेमाल से अपने बालों को 100% काला कर पाएं। और गाइस, आपसे एक रिक्वेस्ट भी, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। गाइस, 3 से 4 चीज़ें चाहिए आपको इस रेमेडी को बनाने के लिए, जिसमें सबसे पहली चीज़ है गाइस सिकाकाई पाउडर। आपको सिकाकाई पाउडर मार्केट से ले आना है, ये आपको बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाएगा। गाइस, ये बालों को जड़ से काला करने के लिए बहुत ही नेचुरल चीज़ है। इसके इस्तेमाल से बाल इतनी जल्दी काले होते हैं कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। आपके बाल नेचुरल तरीके से काले होने शुरू हो जाएंगे। और इसकी एक और खास बात है कि ये आपके बालों को सिल्की शाइनी बनाता है और बालों के टूटने झड़ने की समस्या को भी खत्म कर देता है। तो आपको करना है कि 1 चम्मच सिकाकाई पाउडर इसके अंदर ऐड कर देना है। 1 चम्मच सिकाकाई पाउडर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। दूसरी चीज जो आपको ऐड करनी है वह गाइस कलौंजी। आपको कलौंजी ले आनी है, ये आपको किसी परचून की दुकान से अवेलेबल हो जाएगी। गाइस, कलौंजी के अंदर वो सारी खूबियां होती हैं जो सफेद बालों को 100% काला करती है। एक ही बार में कलौंजी के इस्तेमाल से आपके बाल काले होने शुरू हो जाते हैं, और जब आप इसे कंटिन्यू इस्तेमाल करते हैं तो आपके बाल 100% काले हो जाते हैं, और जब नेक्स्ट टाइम उगते हैं तो वो काले होकर ही उगते हैं। आपको सिंपली करना है, कलौंजी को आपको मिक्सर ग्राइंडर में डाल के पाउडर फॉर्म में बना लेना है, कुछ इस तरीके से। मैंने बहुत सारी कलौंजी ली और इसको मैंने पाउडर फॉर्म में बनाकर रख लिया है। और गाइस, 1 चम्मच के बराबर कलौंजी भी आपको इसके अंदर ऐड कर देनी है। ये देखिए गाइस, कलौंजी पाउडर मैंने ऐड कर दिया है। अब गाइस, तीसरी चीज जो आपको ऐड करनी है वह है गाइस एलोवेरा जेल। जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस, एलोवेरा के इस्तेमाल से आपके बाल सिल्की शाइनी होते हैं, बालों के टूटने झड़ने की समस्या खत्म होती है, और बाल बहुत ही ज्यादा हेल्दी हो जाते हैं। तो आपको सिंपली करना है कि 2 चम्मच के बराबर एलोवेरा जेल इसके अंदर ऐड कर देना है। ये देखिए गाइस, 2 चम्मच एलोवेरा जेल मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है। अब गाइस, लास्ट चीज जो आपको ऐड करनी है वह गाइस नींबू का रस। आपको एक नींबू ले लेना है कुछ इस तरीके से, और उसको आधा काट लेना है। गाइस, नींबू के अंदर विटामिन सी होता है, सिट्रिक एसिड होता है, जो आपके बालों को जड़ से काला करने का काम करता है। आपको बहुत कम क्वांटिटी में 3 से 4 बूंदे या 5 बूंदे नींबू के रस की इसके अंदर ऐड करनी है। ये देखिए गाइस, अब आपकी रेमेडी बनकर तैयार हो गई है। पहले इसे मिक्स कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इसको अपने बालों में लगाना है। ये देखिए गाइस, मिक्स होने के बाद ये कुछ इस तरह का पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। मात्र 2 से 3 मिनट तक आपको इसे मिक्स करना है। और गाइस, जब आपका ये पेस्ट बनकर तैयार हो जाए तो आपको इसको अपने बालों में लगाना है। बालों में किस तरीके से लगाना है ये मैं आपको समझा देता हूँ। जिस तरह से आप कोई ऑयल अपने बालों में लगाते हैं उसी तरीके से इसको लगाना है। बालों की जड़ों से लेकर सिरे तक अच्छे तरीके से लगा लेना है, ताकि बालों की जड़ों में अच्छे तरीके से असर कर पाए। जब बालों की जड़ों में असर करेगा तभी आपको ये 100% फायदा पहुंचा पाएगा। कम से कम 5 मिनट तक हल्के हाथों से अपने बालों में इसे लगाने के बाद मसाज कीजिए, और आधे घंटे तक इसे अपने बालों में लगा रहने दीजिए। और आधे घंटे के बाद आप अपने बालों को किसी भी हर्बल शैम्पू से या जो भी शैम्पू आप अपने में इस्तेमाल करते हैं उससे अपने बालों को वॉश कर लीजिए। एक बार के बाद ही आपको इसका रिजल्ट दिखाई दे जाएगा। और गाइस, जब आप इसे हफ्ते में 2 या 3 बार इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे 1 हफ्ते के बाद आपके सफेद बाल जड़ से काले होने शुरू हो जाएंगे। और गाइस, इसकी सबसे खास बात यह है कि जब आपके बाल नेक्स्ट टाइम उगेंगे तो वो काले होकर ही उगेंगे। इस रेमेडी की सबसे खास बात यह है कि आपके सफेद बालों की समस्या को जड़ से खत्म कर देती है। जो भी चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड की हैं बहुत ही नेचुरल हैं, और ये 100% सफेद बालों को जड़ से काला करने में कारगर होती हैं। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप बेफिक्र होकर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपको 100% रिजल्ट देगा। सो गाइस, अगर आप भी अपने सफेद बालों से परेशान हैं तो एक बार इस रेमेडी को जरूर ट्राई कीजिएगा। इसको इस्तेमाल करने के बाद आपको कैसा रिजल्ट मिला है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।